फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निकिनम सूत्र की। निकिनम सूत्र देखिए, बेसिकली मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के काम आता है। हम यहाँ पे इसका एक यूज़ जो है मल्टीप्लाई वो सीखने वाले हैं। इससे आप कोई भी दो दो 2 डिजिट या 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, तो 2 डिजिट को नंबर को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है निखिलम के अंदर, उसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। तो बेस के लिए, बेस हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम 10^n की फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू वहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरीके से हो सकती है। जैसे सपोज अगर हम n=1 पुट करते हैं तो 10^1 की वैल्यू 10 हो जाती है। इस तरीके से अगर हम 2 पुट करते हैं तो 100 हो जाती है, और 3 पुट करेंगे तो 1000 एंड सो ऑन। तो हमारा बेस होगा वो क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब आते हैं सबसे छोटे से एग्जाम्पल पे। हम एग्जाम्पल में फर्स्ट लेके चलते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 को और 13 को, तो यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो हो जाएगा हमारा 10। अब बेस कैसे फाइंड आउट करना है, कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब हमें जो बेस लेना है वो भी 2 डिजिट का होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए। अगर हमें सपोज लेना है 203, तो इस केस में हमारा बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो जो 12 है वो बेस से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो हो गया वो हो गया 2 का। ये +2 डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ऐसे अगर मैं 13 की बात करूँ तो +3 डिफरेंस हो गया। हमें क्या करना है, इस एरिया को 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन फॉर दीज 2 नंबर, दैट इज दीज आर द डिफरेंस एक्चुअली। और सेकेंड ये वाला जो सेक्शन होगा, इसमें हमको क्या करना है, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, जैसे 13+2 का या 12+3, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में आगे यहाँ पे माइनस आएगा, जो वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव होगा तो ऐड कर देंगे। तो इस वाले पार्ट में देखिए, 2 और 3 हमको मल्टीप्लाई करना है, और इस सेक्शन हमको क्या करना है, 12+3 इनको ऐड करना है। अब आप चाहें तो 12+3 लें या 13+2 लें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। आप 13 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, और 12 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा। तो 3 2 जा हो गया 6, और 12 और 2 3 हो गया 15। यहाँ पे देखिए, बेस डिजिट, बेस के अंदर जो डिजिट है 0 वो सिर्फ सिंगल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू इस सेक्शन में जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 6 ले लेंगे, और यहाँ पे 15। सपोज अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 15 और 14 को, ठीक है। इस केस में भी जो हमारा बेस होगा वो हमारा क्या होगा, बेस हमारा होगा 10। 15 जो कि बेस से कितना ज़्यादा है, 15 बेस से 5 ज़्यादा है। 14 की बात करते हैं, बेस से कितना ज़्यादा है, बेस से ये 4 ज़्यादा है। अगेन इसको 2 इक्वल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कैसे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया 15+4, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन दोनों डिफरेंस का प्रोडक्ट। 5 4 20 प्रोडक्ट मिला हमें, और 15+4 जो है वो हो गया हमारा 19। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 2 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेस है उसके अंदर 0 कितने हैं, 1 है। तो यहाँ से हमने एक सिंगल डिजिट ली 2, और जो भी रिमेनिंग डिजिट है उसको क्या करना है, उससे पहले वाले जो भी नंबर है उसमें ऐड करना है। तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी 210, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब बेस से करने वाले हैं। सपोज क्वेश्चन हमारा 43 और 42, इस केस में भी जो हमारा बेस होगा वो बेस हमारा 10 ही होगा। अगर हम सब बेस की बात करें, सब बेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सब बेस इसके नियर बाय नंबर देख लीजिए। सबसे नियर बाय नंबर कौन सा है, 40 हमें सबसे नियर बाय नंबर दिख रहा है। अब सपोज हमारे पास 32 33 होता तो नियर बाय नंबर 30 हो जाता। इस केस में हमारा जो सब बेस जो होगा वो हो जाएगा 40, और सब बेस डिजिट जो है वो हमारी हो जाएगी 4। सब बेस डिजिट कैसे फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब बेस है वो कितना है 40, तो 40 जो है उसको जो हम बेस से यानी 10 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें सब बेस डिजिट यानी 4 मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वापस वही 43 जो है वो जो हमारा सब बेस नंबर था दैट इज 40, उसके अंदर 3 ऐड करने से आया होगा, तो जो हमारा डिफरेंस है दैट विल बी 3+3,
और 42 के अंदर जो डिफरेंस होगा वो होगा प्लस का 2। अगेन सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, 43 और 2 और 42 प्लस 3 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर हेयर। सो वी विल राइट 43 प्लस 2 हेयर एंड 3 इंटू 2 हेयर। यहाँ पे एक चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो 4 हमारा सब बेसिक डिजिट आया है उसको भी आगे आने वाले रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन पे आए हैं वहाँ पे हमारे पास कोई सब बेस डिजिट नहीं थी। सब बेस डिजिट इसलिए नहीं थी क्योंकि हम बेस ही ले रहे थे। अगर हम सब बेस डिजिट लेना भी चाहते तो हमारे जो सब बेस डिजिट है वो 1 आती, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने से इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे हमने सब बेस डिजिट नहीं ली। लेकिन इस केस में हमारा जो सब बेस डिजिट है 4 है, इसलिए हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6, 43 प्लस 2 हो गया हमारा 45, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा। 6 डिजिट सिंगल ही लेनी है क्योंकि जो हमारा बेस है उसके अंदर भी सिंगल डिजिट है, तो 6 और 180, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब सपोज मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से नंबर आर, जो हमारा नंबर है सपोज वो हम ले लेते हैं, सपोज मैंने जो नंबर लिया वो लिया मैंने 48 और 49। अब आप देख सकते हैं जो इसके नियर बाय नंबर है वो जो नियर बाय नंबर है वो 50 है, तो इस केस में हमारा जो सब बेस नंबर हो गया वो हो गया हमारा सब बेस हो गया 50, बेस एज यूजुअल 10 ही है और जो हमारा सब बेस डिजिट है वो हमारा हो गया 5। ओके नाउ अगेन 45 को आप कैसे लिखेंगे, जो हमारा सब बेस नंबर है 50, 45 में से माइनस 2 किया होगा तभी आया होगा 48। इसी तरीके से अगर हम 49 की बात करें तो 50 में से हमने माइनस 1 किया होगा तब हमारे पास 49 आया होगा। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, दो सेक्शन में डिवाइड करना। इस बार क्या करना है, आप इस तरफ देख सकते हैं कि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टाइम हमारे पास जो दोनों नंबर थे वो पॉजिटिव थे, इस बार दोनों नंबर नेगेटिव हैं। अगेन हमें या तो इस साइड पे चलना है या इस साइड पे चलना है। इस बार जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि अब माइनस का साइन है, तो 48 माइनस 7 और 49 माइनस 2, तो 48 माइनस 1 हम ले लेते हैं। अब 49 माइनस 2 भी लेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। हम जो हमारी सब बेस डिजिट है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 5, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 2 यहाँ पे हमें मिल गया और 48 माइनस 1 हो गया आपके पास 47, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जो 35, 3 कैरी आएगी, 5 4 जो 20 और 3 23। अगेन वी हैव टू टेक ओनली सिंगल डिजिट बिकॉज द बेस इज 10 एंड इट कंटेन ओनली 10, सो वी विल टेक 2 एंड 235 एज इट इज। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके नाउ हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दो नंबर लेंगे ऐसे नंबर, सपोज ये है 52 और 49। दोनों नंबर में आप देख सकते हैं कि जो नियरेस्ट नंबर है जो सब बेस है इस बार वो सब बेस डिजिट जो है हमारी सब बेस नंबर जो है हमारा वो हमारा इस बार 50 और जो हमारा बेस है वो एज यूजल 10 ही है। और सब बेस डिजिट की बात करूँ तो सब बेस डिजिट जो होगी वो भी अगेन 5 ही होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो 52 कैसे आया होगा, 52 के अंदर हमने यानी सब बेस के अंदर 2 ऐड किया होगा तो 52 आया होगा, और 49 कैसे आया होगा, 49 सब बेस में से हमने माइनस 1 किया होगा। अब इस बार आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 2 और माइनस का 1। यहाँ पे या तो इस तरफ चलिए या तो इस तरफ सेम रिजल्ट आएगा, तो हम करते हैं 52 माइनस 1। अगेन सब बेस को हमें आगे मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है माइनस 2 आ रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आएगा 51 इंटू 5, इट विल गिव यू 5, 25, 255। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस का 2 आ रहा है। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी जो रिजल्ट है वो माइनस में नहीं आता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बोरो करना पड़ेगा। जो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लेस करना पड़ेगा, और जब हम एक बोरो को वहाँ पर लेके जाएंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, 10 की फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस है वो हमारे पास 10 है। अगर सपोज बेस 100 होता तो जब हम यहाँ से यहाँ पर बोरो करते तो हमको यहाँ पर 100 लेना पड़ता,
तो इसको सॉल्व करते थे 54 और 8, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के लिए नहीं है, तो जो रिजल्ट है वो ये आएगा 254, 254 और 8। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन। थैंक यू।